वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की चेतावनी को देखते हुए कांग्रेस संगठन विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गया है। कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 18 महीने का समय बचा हुआ है। कमलनाथ की चेतावनी के बाद कांग्रेस 1 फरवरी से घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस लोगों के घर जाकर भाजपा सरकार की असलियत के बारे में बताएगी, साथ ही लोगों को महंगाई के खिलाफ जागरूक करेगी। तो वहीं शराब की नई नीति को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पूरे प्रदेश के अंदर नई शराब नीति को लेकर पूरे प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने शराब नीति पे ये निर्णय लिया है कि शराब घर घर बिके और राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकत्रित हो। और सरकार का कहना कि हमने सस्ती कर दी शराब, इस वक्त जनता के लिए तेल सस्ता चाहिए, खाद्य सामग्री राशन सस्ता चाहिए, बिजली बिल सस्ती चाहिए, जरूरतमंद और गरीब और जनता के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती करते तो उनका निर्णय ऐतिहासिक होता, जनता उस निर्णय को स्वीकार करती। शराब सस्ती करके शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार चाहती है कि प्रदेश के प्रत्येक घर में शराब बिके, नौजवान अपने हाथ के लिए काम न मांगे और शराब जैसी लत में लग जाए और प्रदेश का विकास भूल जाए, नौजवान अपना अधिकार भूल जाए, इसमें सरकार लगी है। सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, यह निर्णय प्रदेश के विकास में बाधक होगा निश्चित ही। वो नशे की लत में नौजवान जब पड़ेगा तो इस प्रदेश के नौजवान को जो हाथ मांगने के लिए आज काम देने की ज़रूरत है तो शराब की ओर धकेला जा रहा है। मैं इस निर्णय की निंदा करता हूँ। सर, 1 तारीख से घर घर चलो, नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के घर मंत्री हैं। प्रदेश में जो रोज घटनाएं हो रही है उन घटनाओं की ओर देखें। खरगोन जिले के अंदर कभी लूट की घटनाएं, कभी हत्याएं की घटनाएं, पिछले 1.5 महीने के अंदर ऐसी दर्जनों घटनाएं खरगोन जिले में हुई है। लूट की घटना हुई है, हत्या की घटना हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर अभी आप रतलाम जिले की एक घटना देखें कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। इस सरकार में, सरकार के अंदर जो जनता दुखी है, जनता की दुख दर्द को नरोत्तम मिश्रा जी समझे। कांग्रेस पार्टी ने जो घर चलो घर घर चलो प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम के तहत हम जनजागरण अभियान चल रहा है। साथ में जनता के बीच जाएंगे, घर जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और एक हमने सदस्यता अभियान चलाया है। उसके साथ जो प्रदेश में भाजपा की सरकार की नाकामियां हैं वो हम उजागर करेंगे। 15 महीने की हमारी सरकार ने क्या किया वो प्रोग्राम हम लेके जाएंगे, हमारी उपलब्धियां जो थी उपलब्धियां बताएंगे। आज तेल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद्य सामग्री महंगी है, इनकी कीमतें घटाना थी, सरकार शराब के पीछे पड़ी है क्योंकि पूरे नौजवान को शराब की ओर धकेलना चाहती। मेरा ये मानना है कि 2023 तक रुकें, सब चीज़ें सामने आ जाएगी। 2023 में प्रदेश की जनता आकार मचा है शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से, मोह भंग हो चुका है। जिस तरीके से आज जनता में त्राही त्राही मची हुई है और आज जो निर्णय उन्होंने कल जो लिया है कि शराब के अंदर 20% की हम टैक्स की कमी करेंगे, जनता की मांग है, जनता जगह जगह से फोन आ रहे हैं, जनता बोल रही है बिजली सस्ती होना चाहिए, खाद्य सामग्री सस्ती होना चाहिए, तेल के भाव कम होना चाहिए तो जनता को राहत मिलेगी। जोशी जी, साइडलाइन कर दिया है उनकी बात को। देखो, उमा भारती जी को क्या इन्होंने किया ये जाने और उमा जी जाने। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा जी पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि कम से कम उमा जी से इस प्रदेश के विकास में और प्रदेश के हित में एक बार उमा जी शराबबंदी की जब वो बात करती है तो उनसे एक बार विचार विमर्श करना था, उसके बाद शराब की नीति लाना थी। ये शिवराज सिंह जी की अपनी नीति है प्रदेश के घर घर में शराब भेजने की। हम लोग इसका सड़क से लेके सदन तक विरोध करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नौजवान के हाथों को काम के लिए।